Hello aspirants, my name is Sakshi and I welcome you all to this sociology series. ये आज का हमारा second lecture शुरू होने वाला है, तो आइए हम start करते हैं हमारे topic से, which is modernity and social change in Europe. Now guys, इससे पहले मैं already एक lecture बना चुकी हूँ, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसी का gist मैंने first lecture में दिया था. मैं चाहूँगी कि इस lecture को सुनने से पहले आप ज़रूर उस lecture को सुन के आएँ. तो जस्ट अ क्विक रीकैप, हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था मॉडर्निटी के बारे में कि मॉडर्निटी क्या होता है. तो हम कह सकते हैं मॉडर्निटी इज़ अ ब्रेक फ्रॉम ट्रेडिशन, मतलब कि अगर ट्रेडिशन लुक्स टू द पास्ट, मॉडर्निटी लुक्स टू द फ्यूचर. गाइस, हमने ये भी पढ़ा था कि स्वीडिश सोशल थ्योरिस्ट गॉरन थर्बॉर्न के हिसाब से जो उन्होंने वर्ड्स लाइक प्रोग्रेस, एडवांसमेंट, डेवलपमेंट, इमेंसिपेशन, लिबरेशन, ग्रोथ, अक्यूमुलेशन, एनलाइटमेंट, ऐसे वर्ड्स यूज़ करे थे टू डिस्क्राइब मॉडर्निटी, तो उनके हिसाब से ये सारे वर्ड्स मॉडर्निटी के लिए सिनोनिम्स हैं. वैचना के हिसाब से मॉडर्निटी क्या थी? उनके हिसाब से मॉडर्निटी का मतलब था अनएंडिंग प्रोग्रेस, अनएंडिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स बेटर ह्यूमन कंडीशंस. मतलब उनके हिसाब से एक मॉडर्न सोसाइटी में मैनकाइंड के लिए वर्क किया जाएगा. उनके हिसाब से मॉडर्न सोसाइटी में ट्रेडिशनल सोसाइटी में जो होता था वो सब ना होकर एडवांसमेंट टुवर्ड्स बेटर ह्यूमन कंडीशंस होगा. और ये सब किस तरह से होगा, ये सब एस्टैब्लिश कैसे होगा? एक बहुत ही नोवल और यूनिक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट के थ्रू. और ये नोवल और यूनिक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट वैजना के हिसाब से था क्या? ये सब थे रेवोल्यूशंस, जैसे कि साइंटिफिक रेवोल्यूशन, कमर्शियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन. तो गाइस, हिस्टोरियंस और सोशल थ्योरिस्ट दोनों इसी बात को मानते हैं कि 14th century AD से लेकर 16th century AD तक यूरोप में बहुत सारे चेंजेस विटनेस हो रहे थे. चेंजेस हर स्ट्रक्चर में, सोसाइटी के हर स्ट्रक्चर में चेंजेस विटनेस किए जाए थे. स्ट्रक्चर्स का मतलब है जैसे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स, इन सारे स्ट्रक्चर्स में ना बहुत सारे चेंजेस पाए जा रहे थे. और इसी पीरियड को 14th से लेकर 16th century AD के पीरियड को हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियड. ओके, अब हमें ये तो पता चल गया कि मॉडर्न पीरियड था, बट डेफिनेटली क्योंकि 14th से लेकर 16th century को हम बोल रहे हैं कि मॉडर्न पीरियड, हम एम्फोसाइज कर रहे हैं कि इस पीरियड को हम मॉडर्न पीरियड कहते हैं, इसका मतलब है कि इससे पहले वाला जो पीरियड था वो मॉडर्न नहीं था, वो ट्रेडिशनल पीरियड था. तो चलिए अब हम देखते हैं कि सोसाइटी ऑफ मिडिवियल यूरोप कैसी थी. ओके, नाउ बिफोर वी स्टार्ट हमें पता होना चाहिए कि ये जो हम मिडिवियल यूरोप की बात कर रहे हैं ये एक्चुअल में कौन सा पीरियड है. तो गाइस, 10th century AD से लेकर 14th century AD तक के पीरियड को हम कहते हैं मिडिवियल यूरोप. ओके, इसके बाद वाला हो गया है मॉडर्न, और 14th से पहले मतलब कि 10th और 14th के बीच वाले पीरियड को हम कहेंगे मिडिवियल यूरोप. ओके, नाउ एक और बात आपके दिमाग में आनी चाहिए, वो है कि हम क्यों मिडिवियल यूरोप के बारे में पढ़ना चाहते हैं, हमें क्यों, हमारे लिए ये जानना क्यों ज़रूरी है कि मिडिवियल यूरोप में जो सोसाइटी थी वो किस तरीके की थी. तो गाइज, इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, ये हम जानना, हमारे लिए ये जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम एक कंपैरिजन ड्रॉ कर पाएँ, ताकि हमारे लिए समझना आसान हो कि मिडिवियल से जो मॉडर्न सोसाइटी में एक ये जो ट्रांजिशन हुआ था ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, और इसी ट्रांजिशन की वजह से तो हमारा सोशियोलॉजी सब्जेक्ट इमर्ज हुआ है. तो ये सब समझने के लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि मिडिवियल यूरोप की जो सोसाइटी थी वो आखिर में थी कैसी. तो गाइज, सोसाइटी ऑफ मिडिवियल यूरोप यानी कि 14th century से पहले वाली सोसाइटी वॉज लार्जली फ्यूडल इन कैरेक्टर, मतलब उसका नेचर कैसा था, फ्यूडल नेचर था. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जैसे मॉडर्न सोसाइटी, हम मॉडर्न सोसाइटी को बोलते हैं कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी थी, वैसे ही जो मिडिवियल यूरोपियन सोसाइटी थी वो थी फ्यूडल इन नेचर. ठीक है, अब फ्यूडल इन नेचर का मतलब है कि फ्यूडलिज्म वॉज द डोमिनेंट सिस्टम ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोप. और कब से कब तक? 10th से लेकर 14th century के बीच में. ओके, नाउ गाइस, फ्यूडलिज्म होता क्या है? तो
फ्यूडलिज्म ये जो वर्ड है ये आता है एक और वर्ड से जिसको हम कहते हैं फ्यूडल, और जो फ्यूडल वर्ड है वो आता है एक लैटिन वर्ड से जिसको हम कहते हैं फीफ। फीफ का मतलब क्या होता है? फीफ का मतलब होता है लैंड। किस टाइप की लैंड? लैंड हेल्ड ऑन द कंडीशन और सर्विस, मतलब कि लैंड के एक्सचेंज में सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती हैं। कहने का मतलब है कि एक फ्यूडल सोसाइटी में लैंड वॉज अ सोर्स ऑफ पावर, जिसके पास जितनी लैंड होती थी उसको उतना ही प्रॉस्परस माना जाता था। नॉट ओनली दिस, फ्यूडल सोसाइटी में लैंड अगर दी जाती थी तो मनी के रिटर्न में नहीं दी जाती थी, कि आज की डेट में जैसे कि अगर आपको लैंड खरीदनी है तो आप पैसे दे के लैंड खरीदेंगे, पर उस टाइम पर यानी कि मिडिवियल यूरोपियन सोसाइटी में अगर आपको लैंड लेनी है किसी से तो आपको इन रिटर्न सर्विसेज देनी होती थी। किस टाइप की सर्विसेज? वैसे जनरली यूरोप में मिलिट्री सर्विसेज दी जाती थी, ये हम आगे भी पढ़ेंगे, बट आपके अभी आप इस बात को ध्यान में रखिए कि मिलिट्री सर्विसेज दी जाती थी इन रिटर्न ऑफ लैंड। तो फ्यूडलिज्म वॉज बेस्ड ऑन सिस्टम ऑफ लैंड टेन्योर, ठीक है। नाउ इसमें लिखा हुआ है एस्टेट्स। एस्टेट्स आपको पता होना चाहिए क्या होता है। एस्टेट्स होती है डिफरेंट साइज ऑफ लैंड, कि मतलब अगर आप मान लीजिए कि एक बहुत बड़ी लैंड है, तो अगर उस बहुत बड़ी सी लैंड को अगर आप चार पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो हम बोल सकते हैं कि वो चार एस्टेट में आपने डिवाइड कर दी हैं, ठीक है। तो फ्यूडलिज्म में होता क्या था कि एक होता था ओवरलॉर्ड। ओवरलॉर्ड का मतलब होता है जिनके पास लैंड है, जैसे कि किंग हो गया, अर्ल हो गया, ड्यूक हो गया या बैरन हो गया। और जो ये ओवरलॉर्ड है ये अपने वासल्स को लैंड देते थे, पर वो फ्री में तो देंगे नहीं, कुछ रिटर्न तो लेंगे उनसे वापस। तो वो रिटर्न क्या लेते थे? रिटर्न में लेते थे वो सर्विसेज। कौन सी सर्विसेज? किस टाइप की सर्विसेज? मिलिट्री सर्विसेज, ठीक है। तो जो ओवरलॉर्ड है वो अपने वासल्स को देता था। अब ये जो वासल्स हैं इनके भी वासल्स हो सकते थे, ठीक है। तो जब ओवरलॉर्ड ने पहले अपने वासल को दी, अब जो ये वासल है ये जब अपने वासल को देगा तो अपने वासल के लिए क्या बन जाएगा? खुद ओवरलॉर्ड बन जाएगा, राइट। अब जो ये वाला वासल है, लास्ट वाला वासल है, ये जब अपने वासल्स को देगा तो ये अपने वासल्स के लिए ओवरलॉर्ड बन जाएगा। तो इस टाइप का एक ग्रेडेशन सिस्टम था, इस टाइप से लैंड एक के बाद एक लोग अपने से नीचे वालों को देते रहते थे, ठीक है। और इसी वजह से गाइस जो ओवरलॉर्ड थे वो किसी के वासल्स भी थे, राइट, और जो वासल्स थे वो किसी और के ओवरलॉर्ड्स थे, ठीक है। ये चीज़ें देखिए आपको लर्न नहीं करनी बाय हार्ट, मगर अगर आपको थोड़ी इन चीज़ों के बारे में नॉलेज हो तो थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी हो जाती है कि किस टाइप की सोसाइटी थी, किस टाइप का एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन था। ये आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए ये आपको समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो ओवरलॉर्ड होते थे, ओवरलॉर्ड लैंड देते थे अपने वासल्स को, जो वासल्स होते थे उनके भी कुछ वासल्स होते थे वो उनको देते थे, ऐसे करते करते लैंड डिवाइड होती रहती थी, ठीक है। अब जब गाइस जब एक ओवरलॉर्ड अपने वासल को लैंड देता था तो उसके रिटर्न में उसको मिलिट्री सर्विसेज तो मिलती थी ही, पर उसके रिटर्न में उसको एक फेथफुलनेस भी मिलती थी। कहने का मतलब ये है कि जो वासल था वो अपने ओवरलॉर्ड के लिए बहुत लॉयल था, ठीक है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं नमक हलाल, राइट। वो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो टेक्निकली क्या होना चाहिए था कि फ्यूडल सिस्टम में, ये जो फ्यूडलिज्म था इसमें क्या होना चाहिए था कि जब एक वासल की डेथ होती थी तो जो लैंड है वो वापस ओवरलॉर्ड को रिटर्न करी जाती थी। मगर एक सॉर्ट ऑफ कन्वेंशन बन गया था कि जब एक वासल की डेथ होगी तो उसकी प्लेस उसका जो सबसे बड़ा बेटा है वो ले लेगा। तो एक हेरिडिटरी सॉर्ट ऑफ ये बन गया था, ठीक है। और जब एक हेरिडिटरी बन जाता है कुछ, एक एक पर्टिकुलर सिस्टम एक हेरिडिटरी फॉर्म ले लेता है, तो डेफिनेटली एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाता था बिटवीन द ओवरलॉर्ड एंड द वासल, राइट। और ये रिलेशनशिप था फेथफुलनेस का, ये रिलेशनशिप था लॉयल्टी का। तो गाइज मिडिवियल यूरोपियन सोसाइटी के लिए ये सिस्टम एक बहुत ही प्रॉपर सिस्टम था, उनके लिए ये सिस्टम बहुत अच्छे से उनके लिए काम कर रहा था, ठीक है। तो हम कह ये सकते हैं कि जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन थी,
मिडिवियल यूरोपियन सोसाइटी की, वो फ्यूडल इन नेचर थी। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में जो ये स्ट्रैटिफिकेशन वर्ड है, इसका सिंपल मतलब होता है क्लासिफिकेशन। गाइस, ये स्ट्रैटिफिकेशन एक प्रॉपर टॉपिक भी है सोशियोलॉजी में, जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे, पर आपको अगर इसका नॉर्मल मतलब जानना है तो स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है क्लासिफिकेशन। तो हम कह सकते हैं कि सोसाइटी में जो ये क्लासिफिकेशन थी वो थी फ्यूडल इन नेचर। ठीक है, तो आइए हम थोड़ा और अच्छे से जानते हैं कि ये ओवरलॉर्ड और वासल, फिर उनके वासल, फिर उनके वासल, ये जो रिलेशनशिप हम अभी पढ़ के आए हैं, सुन के आए हैं, ये एक्चुअल में थी कैसे। अब इसको प्लीज़ आप ये जो डायग्राम है इसको ध्यान से देखिए, मैं बताती रहूँगी, आप प्लीज़ इस डायग्राम को फॉलो करते रहिए, आपके लिए ये समझना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो होता ये था कि सबसे ऊपर जो होता था वो होता था किंग। ठीक है, तो आप मान लीजिए कि किंग है, किंग के पास बहुत सारी लैंड है। ओके, अब किंग बहुत सारी लैंड को खुद तो मैनेज कर नहीं सकते, तो नॉट ओनली कि खुद मैनेज नहीं कर सकते बट उनको रिटर्न में मिलिट्री सर्विसेज भी चाहिए होती थी, तो वो पे क्या करे, तो वो पेमेंट के तौर से वो देते थे लैंड। ठीक है, तो जो किंग है उनके पास लैंड है, वो लैंड देंगे किनको, जो एकदम किंग के थोड़ा नीचे होंगे। किंग के नीचे कौन होते थे, ड्यूक्स या अर्ल्स। अब ड्यूक्स और अर्ल्स को मिल गई लैंड। ठीक है, बट ये जो ड्यूक्स और अर्ल्स हैं ये अपने रिटर्न में देते थे मिलिट्री सर्विसेज, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये लैंड को तो संभाल नहीं सकते, तो ये लैंड दे देते थे अपने वासल्स को संभालने के लिए। इनके वासल्स कौन होते थे, बैरन्स। ठीक है, बैरन्स भी ड्यूक्स और अर्ल्स को इन एक्सचेंज क्या देते थे, मिलिट्री सर्विसेज। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब वो लोग भी मिलिट्री सर्विसेज दे रहे हैं ड्यूक्स और अर्ल्स को, तो ये खुद भी लैंड मैनेज नहीं कर सकते, तो ये अपनी लैंड दे देते थे इनके वासल्स को, जो कि होते थे नाइट्स। ठीक है, तो जो नाइट्स हैं इनके कोई वासल्स नहीं होते थे। ये प्लीज़ ध्यान में रखिए कि ऐसा नहीं है कि अब नाइट्स के भी वासल्स होंगे वो उनको दे देंगे, नहीं। किंग के नीचे ड्यूक्स एंड अर्ल्स, ड्यूक्स एंड अर्ल्स के नीचे बैरन्स, और बैरन्स के नीचे नाइट्स, बस इतना ही होता था। तो नाइट्स फाइनली, नाइट्स के पास होती थी लैंड, ऑल्दो नाइट्स भी खुद अपनी मिलिट्री सर्विसेज देते थे, पर नाइट्स कभी भी किसी के ओवरलॉर्ड नहीं बन सकते थे। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो किंग ही था जो कि ओवरलॉर्ड की पोजीशन में ही रहते थे, बाकी जो किंग के वासल थे ड्यूक्स और अर्ल्स वो किंग के वासल्स भी थे, और बैरन्स के लिए वो खुद बैरन्स के ओवरलॉर्ड भी थे, राइट। सिमिलरली बैरन्स ड्यूक्स एंड अर्ल्स के वासल्स भी थे और नाइट्स के लिए ओवरलॉर्ड्स भी थे। ठीक है, और जो नाइट्स हैं वो सिर्फ वासल थे, वो कभी भी ओवरलॉर्ड्स नहीं बन सकते थे। ठीक है, ओके, अनदर थिंग इज़ कि ये जो मैं वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ, ड्यूक्स या अर्ल्स, ये इतने कोई बड़े वर्ड्स नहीं हैं, ये बेसिकली हेरिडिटरी टाइटल्स दिए जाते थे ये यूरोप में, तो इसको आपको समझने की वैसे इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना ही समझने के लिए काफ़ी है, इसको लर्न मत करिएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है यहाँ पे, कि जो नाइट्स होते थे ये बैरन्स के वासल्स होते थे, और इन रिटर्न वो मिलिट्री सर्विसेज दिया करते थे वासल बैरन्स को, और इनके खुद कोई वासल्स नहीं होते थे, यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो वासल है वो कभी भी लैंड को ओन नहीं करता था। ठीक है, OWN, ओन नहीं करता था, वो लैंड को सिर्फ होल्ड करता था फॉर हिज वासल। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि नो वासल ओन्ड एनी लैंड, ओके, ही ओनली हेल्ड द लैंड एज ऑफ हिज ओवरलॉर्ड। ठीक है, मतलब कभी भी उसकी खुद की नहीं होती थी लैंड, वो बस होल्ड करता था। ठीक है, तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जो वासल है वो हमेशा लॉर्ड्स मैन है, कि वो लॉर्ड के लिए उसको लॉयल रहना ही पड़ेगा, नहीं रहेगा तो लॉर्ड उसको इविक्ट कर देगा, राइट। तो जो वासल है उसको वो बस एक ही अथॉरिटी को रिकग्नाइज करता था, और वो अथॉरिटी होती थी उसका ओवरलॉर्ड। अब चाहे उसका ओवरलॉर्ड वो बैरन हो या ड्यूक्स एंड अर्ल्स हो या किंग हो खुद, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, पर उसके लिए एक ही अथॉरिटी है जिसको वो रिकॉग्नाइज करेगा, वो है उसका ओवरलॉर्ड। तो इस तरीके से एक लॉयल्टी मेंटेन रहती थी, इस तरीके से एक सिस्टम ऑफ अलीजियंस जिसको बोलते हैं वो मेंटेन रहता था। ठीक है, अब इस सिस्टम की इम्पॉर्टेंस देखिए क्या थी, कि इसकी इम्पॉर्टेंस जाहिर सी बात है यहाँ पर होगी कि जब किंग को लड़ाई के लिए जाना होता था, वॉर के लिए जाना होता था, तो उसको क्या चाहिए, उसको मिलिट्री असिस्टेंस चाहिए।
तो वो अपनी मिलिट्री असिस्टेंस ले रहा था अपने वासल्स से. एक किंग के वासल्स कौन हो गए गाइज, खुद आप याद करने की कोशिश करिए. किंग के वासल्स थे ड्यूक्स एंड अर्ल्स, तो वो मिलिट्री सर्विसेज मांगता था ड्यूक्स एंड अर्ल्स से. ड्यूक्स एंड अर्ल्स के वासल्स कौन थे, बैरन्स थे, तो वो मांगते थे मिलिट्री असिस्टेंस फ्रॉम बैरन्स. बैरन्स के वासल्स कौन थे, नाइट्स थे, तो वो मांगते थे मिलिट्री असिस्टेंस फ्रॉम नाइट्स. ऐसे करते करते जो किंग था उसके पास एक ह्यूज डिटैचमेंट ऑफ वॉरियर्स इकट्ठा हो जाता था, एक फाइटिंग आर्मी फॉर्म हो जाती थी जो कि काफ़ी थी किसी भी वॉर को जीतने के लिए या एटलीस्ट वॉर में पार्ट लेने के लिए. ओके तो गाइज यहाँ तक हमने पढ़ लिया है कि फ्यूडलिज्म का क्या रोल था, फ्यूडलिज्म कहाँ तक डीप रूटेड थी मिडीवियल यूरोपियन सोसाइटी में. मिडीवियल यूरोपियन सोसाइटी मतलब कि 10th से लेकर 14th सेंचुरी एडी में जो सोसाइटी थी उसमें जो इम्पोर्टेंस थी फ्यूडलिज्म की वो कितनी थी और किस टाइप की फ्यूडलिज्म थी, किस तरह से सोसाइटी डिवाइडेड थी, ये सब हम पढ़ चुके हैं. अब आइए हम एक दूसरी साइड देखते हैं मिडीवियल यूरोपियन सोसाइटी की जो कि है रोमन कैथोलिक चर्च के अंडर, क्योंकि रोमन कैथोलिक चर्च भी उतना ही इम्पोर्टेंट था जितना इम्पोर्टेंट फ्यूडलिज्म था मिडीवियल यूरोपियन सोसाइटी में. तो आइए उसके बारे में ज़रा देखें. तो जो मिडीवियल यूरोपियन सोसाइटी थी उसमें रोमन कैथोलिक चर्च की बहुत बहुत इम्पोर्टेंस थी. ठीक है, तो जो चर्च थे उसके टॉप में थे पोप, राइट. आज की डेट में भी जो चर्च है उनके हेड कौन होते हैं, पोप. बट उस टाइम पे गाइस जो पोप थे उस टाइम के पोप को लोग एक्सेप्ट करते थे एज विकर ऑफ क्राइस्ट. विकर का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, एक फैंसी वर्ड है, एक सिंपल सा इसका मतलब है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राइस्ट. अब जब आपने एक पोप को या किसी को आपने मान लिया है कि ही रिप्रेजेंट्स गॉड हिमसेल्फ, ठीक है, तो लोग जाहिर सी बात है उनको एकदम सैक्रोसेंट मानेंगे, मतलब कि उन्होंने जो कह दिया उसको पत्थर की लकीर टाइप मानेंगे, राइट. तो पोप वॉज इन दिस सेंस स्ट्रोंगर दैन किंग. गाइज आज की डेट में भी आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि जो रिलीजन है उसको एक प्राइम मॉडल इम्पॉर्टेंस दी जाती है कि उसके रिलीजन को क्वेश्चन नहीं किया जाता, चाहे रिलीजन सही बता रहा है चाहे रिलीजन गलत बता रहा है, हमारे दिमाग में रिलीजन हमेशा सही ही होता है, राइट. तो उस टाइम पे तो और भी ज़्यादा ट्रेडिशनल सोसाइटी थी इस सेंस में कि जो पोप ने कह दिया उसके लेटर को भी माना जाता था, ठीक है, मतलब उसने जो कह दिया बस उसी को ओबे किया जाता था. और इसी रीज़न की वजह से पोप वॉज ऑफन स्ट्रोंगर दैन द किंग, ठीक है, और किंग को भी बहुत बार किंग वॉज ऑल्सो फोर्स टू ओबे पोप्स ऑर्डर, ठीक है. नाउ सेकेंड चीज़ है कि क्रिश्चियनिटी उस टाइम पे क्या सिखाती थी, वो सिखाती थी कि मैन की जो लाइफ है ऑन दिस अर्थ इट इज़ नॉट द एंड ऑफ हिज एग्जिस्टेंस. क्रिश्चियनिटी उस टाइम पे ये सिखाती थी और पोप खुद ये सिखाते थे, जो चर्च है कैथोलिक चर्च वो ये टीचिंग स्प्रेड करते थे कि ये जो हमारी लाइफ है, ये जो हम लोगों को लाइफ मिली है इसके बाद जब मरने के बाद जो लाइफ होगी वो है एक्चुअल लाइफ. तो ये वाली जो हमारी प्रेजेंट लाइफ है अर्थ पे जो हमारी लाइफ है वो एक स्टेपिंग स्टोन है टू अचीव अ ब्यूटिफुल अ मच बेटर आफ्टर लाइफ. तो इस लाइफ में, ये जो अर्थ में जो हमें लाइफ मिली है, यहाँ पे आपको ऐसे काम करने हैं, चर्च के लिए ऐसे काम करने हैं ताकि आपको पक्का स्वर्ग ही मिले, ठीक है, ये समझिए आप. तो इस तरीके से जो रोमन कैथोलिक चर्च है वो लोगों का ब्रेन वॉश करते थे, या आप कह सकते हैं उनको इस तरीके की टीचिंग्स देते थे, इतना उनको सुपरस्टिशन में इतना बांध के रखते थे कि वो लोग सिर्फ पोप को और सिर्फ चर्च को ही रिस्पेक्ट करें, उन्हीं को ही माने और उन्हीं के ही ऑर्डर्स को फॉलो करें, ठीक है. नाउ उस टाइम पे भी क्रिश्चियन मॉन्क्स होते थे, नन्स होते थे. मॉन्क्स जैसे कि सेंट फ्रांसिस, जैसे सेंट बेनेडिक्ट, सेंट ऑगस्टीन, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते थे ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्योरिटी, ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस टू टेम्पटेशन, ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ परस्यूट ऑफ गुडनेस, ठीक है. तो इनमें से कुछ ने तो इनफैक्ट वर्ल्डली लाइफ से एक टाइप का संन्यास ले लिया था. उन्होंने कहा था कि हम एक बहुत मॉन्क्स की ज़िंदगी हम जिएंगे, हम चाहे पावर्टी में रहें, हम लोगों से भीख मांगकर भिक्षा जैसे लेते हैं वैसे जिएंगे. तो इस तरीके से वो अपनी टीचिंग्स को स्प्रेड करते थे, ठीक है.
नाउ जो विमेन थी वो नंस के तरीके से रहती थी, वो मोनेस्ट्रीज में रहती थी. ये सब आपको शायद बुद्धिस्ट भिक्षुज और ये जो विहाराज हम पढ़ते हैं, चैत्यास हम पढ़ते हैं बुद्धिज़्म में या जैनिज़्म में, इन सब की में भी आप थोड़ा कोरिलेट कर पाएँ. तो जैसे हमने जैनिज़्म और बुद्धिज़्म में पढ़ा है कि उनमें भी मॉन्क्स होते थे, उसी तरीके से मिडिवल यूरोपियन सोसाइटी में भी जो मॉन्क्स भी होते थे और नंस भी होते थे, वो लोग रहते थे मोनेस्ट्रीज में रहते थे, एक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम फॉलो करते थे, बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ वो जीते थे, लाइफ ऑफ चैस्टिटी. दे कुड नॉट मैरी, दे कुड नॉट ओन एनी प्रॉपर्टी. ठीक है, अगर थोड़ा सा भी वो डिसोबीडियंस होगा तो बहुत उनको हार्ड पनिशमेंट्स दी जाती थी. ठीक है, सिमिलरली सेंट बेनेडिक्ट, उन्होंने मोनेस्ट्रीज बनाई थी जो कि एक बहुत ही ह्यूज लर्निंग सेंटर माना जाता था, जो कि एक वेल ऑर्डर्ड लाइफ को कैसे जीते हैं वो सिखाता था. जो इन्होंने जो मॉनेस्ट्री बनाई थी, इन मॉनेस्ट्रीज़ में होता ये था कि बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो होते थे एंड बहुत ही एक स्ट्रिक्ट रिजिम होता था. एक सॉर्ट ऑफ एक कल्ट था जो कि अपने आप को समझते थे कि हमें लोगों को एक बेटर लाइफ देने के लिए उनको टीचिंग्स देनी है, उनको समझाना है कि ये जो आप लोग मटीरियलिस्ट चीज़ों में रह जाते हैं ये कुछ नहीं है, ये सब यहीं पे रह जाएगा, एक्चुअल में जो लाइफ है वो एक आफ्टर लाइफ है और हम आपको सिखाते हैं कि वो आफ्टर लाइफ कैसे मिलेगी. तो ये जो मॉनेस्ट्रीज़ हैं, ये जो सेंट्स जिनके बारे में हमने बात करी है, ये लोग ये चीज़ें सिखाते थे. तो इस टाइम तक ठीक था, मतलब जो रिलीजन है, जो रोमन कैथोलिक चर्च है वो ठीक है, कुछ ज़्यादा ही रिलीजियस था, स्टॉन्च रिलीजन में मानते थे ये लोग, बिलीव करते थे, बहुत सुपरस्टिशियस थे. हाउएवर ये करप्ट नहीं थे अभी तक, बट स्लोली व्हाट हैपेंड, करप्शन क्रेप्ट इनटू द गॉड्स डोमेन. ठीक है, तो होने ये लगा कि मॉनेस्ट्री में करप्शन आ गया. ये मॉनेस्ट्री में करप्शन कैसे आया, कि जो मॉन्क्स और नन्स हैं इनकी लाइफ फ्रूगल या ऑस्टेर या एकदम जो बोलते हैं साधारण सी वो नहीं रह गई. क्यों नहीं रह गई, क्योंकि इनके सारे काम जो होते थे वो करे जाते थे सर्व्स के थ्रू. तो जब मॉन्क्स और नन्स की खुद काम सर्व कर रहे हैं तो उनको और कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं होती थी. तो आइडलनेस बिकेम कॉमन, आइडलनेस मतलब कि खालीपन, इट बिकेम कॉमन. लग्जरी और गुड फूड ड्रिंक्स, इन चीज़ों में मॉन्क्स और नन्स व्यस्त हो गए. इसकी वजह से करप्शन क्रेप्ट इन. अब एक और चीज़ की वजह से करप्शन और ज़्यादा बढ़ने लगा, वो क्या थी कि जो चर्च था इट बिकेम बिगेस्ट लैंड ओनर ऑफ द टाइम. अब गाइज अगर आपने पहले हमने जो हमने पढ़ा है वो ये था कि जो मॉनेस्ट्रीज हैं वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स को ओबे किया जाता था. मॉन्क्स और नन्स को बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स ओबे करने पड़ते थे. अब इन रूल्स में से एक रूल ये भी था कि दे कैन नॉट मैरी एंड दे कैन नॉट ओन एनी प्रॉपर्टी. लेकिन जब करप्शन, ये लोग करप्ट हो गए तो दे स्टार्टेड ओनिंग अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टी. ठीक है, नाउ इस करप्शन को हटाने के लिए कुछ बहुत ही ग्रेट लीडर्स दे केम अप टुगेदर और उन्होंने एक वॉन्डरिंग मॉन्क्स करके एक ऑर्डर शुरू किया. अभी वॉन्डरिंग मॉन्क्स क्या होता था कि इन लोगों के पास दे हैड नो होम्स. ओके, ये एक जगह से दूसरी जगह चलते थे, जाते थे, ये चैरिटी पे रहते थे और इस तरीके से ये एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते थे इन द सोसाइटी कि एक्चुअल में इस तरीके से रहा जाता है बाय मॉन्क्स, बाय नन्स, और इसी तरीके से इसी सेल्फ सैक्रिफाइस की वजह से आपको एक आफ्टर लाइफ, एक बेटर आफ्टर लाइफ मिलेगी. ठीक है, तो गाइज अभी तक हमने पढ़ लिया है कि फ्यूडलिज्म किस टाइप का फ्यूडलिज्म था यूरोपियन सोसाइटी में. हमने पढ़ा है कि रोमन कैथोलिक चर्च की क्या सिग्निफिकेंस थी, किस तरीके से और कैसे रोमन कैथोलिक चर्च में भी करप्शन इंट्रोड्यूस हो गया. तो अब हम पढ़ते हैं कि एजुकेशन का कितना क्या सिग्निफिकेंस था और एजुकेशन कितनी प्रेवलेंट थी मिडिवल वेस्टर्न यूरोपियन सोसाइटी में. ठीक है, तो बेसिकली मिडिवल यूरोप में एजुकेशन का बहुत कम सिग्निफिकेंस था. ओके, ये इसलिए था क्योंकि एजुकेशन सिर्फ कैथोलिक चर्च, रोमन कैथोलिक चर्च या चर्चेस तक ही सीमित थी. कहने का मतलब ये है कि दी ओनली सेंटर्स ऑफ लर्निंग एंड दी ओनली सेंटर्स ऑफ एजुकेशन वर द चर्चेस. गाइज ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन में भी
बहुत एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स थे जहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजते थे. बट विद द डिक्लाइन ऑफ रोमन सिविलाइजेशन, विद द डाउनफॉल ऑफ रोमन एम्पायर, ये सारे इंस्टीट्यूशंस ये दे ऑल डिसअपियर्ड. ठीक है, तो अब जो मिडिवियल यूरोपियन सोसाइटी में जो लर्निंग और एजुकेशन के सेंटर्स थे वो थे सिर्फ चर्च. तो मॉन्क्स एंड प्रीस्ट ये लोग थे जो कि लिटरेट मैन कहलाते थे यूरोप में, और यही लोग एजुकेशन और लर्निंग इम्पार्ट करते थे. अब गाइस जाहिर सी बात है, अगर मॉन्क्स और प्रीस्ट पढ़ा रहे हैं तो वो रिलीजियस टीचिंग्स ही देंगे, राइट? तो लर्निंग जो है वो बहुत ही नैरो टाइप की लर्निंग थी. ठीक है, अभी आज की डेट में हम इसको एकदम आज के सिनेरियो से कोरिलेट कम्प्लीटली नहीं कर सकते. आप कहेंगे कि मदरसास को आप इससे कोरिलेट कर सकते हैं, मगर नहीं, क्योंकि मदरसास में भी सिर्फ रिलीजियस टीचिंग्स नहीं होती है, बहुत मॉडर्न सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं. बट जो मिडिवियल यूरोप था वहाँ पे मॉडर्न सब्जेक्ट्स को टच भी नहीं किया जाता था. ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट्स हो गए जैसे कि लॉजिक या अर्थमेटिक, इनको नहीं पढ़ाया जाता था. फेथ की चीज़ों को बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता था. सुपरस्टिशन को और कैसे इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए, ये चीज़ें बहुत पढ़ाई जाती थी. गॉड में बिलीव करना बहुत पढ़ाया जाता था. विचेस होती हैं, ये चीज़ें बच्चों को पढ़ाई जाती थी, और विचेस को पनिश कैसे किया जाए ये सब पढ़ाया जाता था. तो बहुत ही नैरो टाइप की टीचिंग्स हुआ करती थी. ठीक है, बट ये हुआ कि बाय द एंड ऑफ द 14th सेंचुरी चेंजेस स्टार्टेड टेकिंग प्लेस इन यूरोपियन सोसाइटी, और इन्हीं चेंजेस की वजह से जो फ्यूडल सिस्टम हमने पढ़ा है इट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, और एक न्यू सिस्टम इट इमर्ज. इस न्यू सिस्टम को हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट सिस्टम या मर्केंटाइल सोसाइटी, ये हम आगे पढ़ेंगे. अब ये जो चेंजेस बेसिकली हुए 14th सेंचुरी के बाद, ठीक है, ये चेंजेस थे इस सर्टन रेवोल्यूशंस की वजह से, जो कि हैं साइंटिफिक रेवोल्यूशन, कमर्शियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन. और इन्हीं चेंजेस की वजह से एक न्यू सोसाइटी इमर्ज्ड. तो पहले की हमारी सोसाइटी थी बहुत ही ट्रेडिशनल इन नेचर, राइट? अब 14th सेंचुरी के बाद, इन चेंजेस के बाद जो न्यू सोसाइटी इमर्ज हुई, उस सोसाइटी को हम बोलते थे एक एनलाइटेंड सोसाइटी. ठीक है, और इस एनलाइटेंड सोसाइटी मतलब 14th सेंचुरी के बाद ये जो चेंजेस थे इनको हम बोलते हैं रेनेसां पीरियड. ठीक है, नाउ गाइस आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो ये चेंजेस आए, जो ये रेवोल्यूशंस की वजह से जो चेंजेस आए, इन चेंजेस की वजह से जो स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी है, ठीक है, ये भी चेंज हुआ. कहने का मतलब ये है कि जहाँ पहले ट्रेडिशनल सोसाइटी में लैंड सिस्टम अच्छे से इस्टेब्लिश हुआ हुआ था, अब इस मॉडर्न सोसाइटी में एक न्यू सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ. कौन सा सिस्टम? जिसको हम बोलते हैं टाउन सिस्टम, मतलब कि टाउन्स इस्टेब्लिश हुए. ठीक है, तो हम आगे जाके पढ़ते हैं कि व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज टाउन्स और हाउ ट्रेड इट अफेक्टेड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दीज टाउन्स. ठीक है, तो गाइज ये जो हमने देखा है कि कमर्शियल रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से ट्रेड में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आई, और इसी ग्रोथ की वजह से जो टाउन्स हैं उनमें भी बहुत ग्रोथ आई. कहने का मतलब है कि जो स्मॉलर टाउन्स थे, जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश टाउन्स थे, दे बिकेम लार्जर, और न्यू टाउन्स दे ऑल्सो इमर्ज्ड, एंड दे इमर्ज्ड एज सेंटर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड. अब ये जो टाउन्स हैं दे वर वॉल्ड, मतलब कि दे वर फोर्टिफाइड. ठीक है, ये जो टाउन्स हैं दे हैड देयर ओन मिलिशिया, अपनी खुद की मिलिट्री थी इनके पास, अपनी खुद की गवर्नमेंट थी. इनके जो ऑफिशियल्स थे, इनको जो टाउन्स मैन हैं ये लोग इलेक्ट करते थे. तो प्रॉपर एक प्रॉपर सिस्टम था. ठीक है, एक मॉडर्न सोसाइटी का जो सिस्टम आप सोच सकते हैं, आपके माइंड में एक इमेज हो सकती है कि अच्छा इस तरीके की एक मॉडर्न सोसाइटी हो सकती है, वैसी सोसाइटी हो गई थी इस इन टाउन्स के अंदर. ठीक है, सिमिलरली अनलाइक द ट्रेडिशनल सोसाइटी जहाँ पे पीपल कुड नॉट वेरी इजीली सेल और बाय प्रॉपर्टी, टाउन्स में ये जो न्यू सोसाइटी इमर्ज हुई, ये जो न्यू टाउन्स इमर्ज हुए, यहाँ पे लोग आसानी से इफ़ दे हैव मनी दे कैन बाय, दे कैन सेल प्रॉपर्टी, इफ़ दे वॉन्ट दे कैन, दे हैव नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट, आराम से टाउन्स के बाहर जा सकते हैं, अंदर वापस आ सकते हैं, कहीं पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी.
ठीक है. तो टाउन्स ऑल्सो प्रोवाइडेड असाइलम. असाइलम का मतलब होता है प्रोटेक्शन. सो टाउन्स प्रोवाइडेड असाइलम टू सर्व्स. कौन से सर्व्स? जो कि फ्यूडलिज्म के अंडर बहुत ज़्यादा ओप्रेस उनको किया जाता था, वैसे सर्व्स को टाउन्स प्रोटेक्शन देते थे. नॉट ओनली दिस, टाउन्स में प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स या कल्टिवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स वॉज एनकरेज्ड. क्यों इट वॉज एनकरेज्ड? बिकॉज टाउन्स को हमने क्या कहा है, टाउन्स बेसिकली एक कमर्शियल ट्रेडिंग सेंटर्स थे, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स थे. तो ट्रेडर्स को क्या चाहिए? वैसी क्रॉप्स चाहिए ना जो कि कमर्शियली सक्सेसफुल हो, राइट? तो इसीलिए कैश क्रॉप्स की कल्टिवेशन को बहुत एनकरेजमेंट दी जाती थी इन द टाउन्स. नाउ गाइस, एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज जो मॉडर्न सोसाइटी में आया एज अपोज टू जो टू द ट्रेडिशनल सोसाइटी ऑफ मिडिवियल यूरोप, यानी कि 14th सेंचुरी से पहले वाली सोसाइटी से, अब जो न्यू सोसाइटी में जो चेंज आया था वो था कि जो पेजेंट्स थे दे स्टार्टेड रिसीविंग पेमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ मनी. इससे पहले की सोसाइटी में क्या होता था? इससे पहले की सोसाइटी में होता था बाटर सिस्टम. बाटर सिस्टम की सबसे बड़ी जो खामी है, सबसे बड़ा जो नेगेटिव है बाटर सिस्टम का, वो ये है कि इट ऑपरेट्स ऑन द सिस्टम ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स. ये चीज़ आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगे या आपने पढ़ी होगी शायद. कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स का क्या मतलब होता है? कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स का मतलब है कि जो गुड मुझे चाहिए वही गुड्स जिनसे मैं लेने वाली हूँ, एक तो उनके पास होना चाहिए, और जिनसे मैं लेने वाली हूँ उनको भी कोई ऐसा ही गुड चाहिए होना चाहिए जो मेरे पास है. इसे कहते हैं कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, कि दोनों की वॉन्ट्स आपस में कोइंसाइड करनी चाहिए. मुझे भी वही चाहिए जो तुम्हारे पास है, तुम्हें भी वही चाहिए जो मेरे पास है, तभी बाटर सिस्टम सक्सेसफुल हो पाएगा. बट अब जो न्यू मॉडर्न सोसाइटी थी, इसमें जो पेमेंट्स थी इट वॉज रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ कैश. एक्चुअल कैश में पेमेंट रिसीव करी जाती थी. तो ये सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट, एक पॉजिटिव, एक ह्यूज चेंज था इन द मॉडर्न यूरोपियन सोसाइटी. तो गाइज, अब देखते हैं कि कैसे ग्रोथ की, ये जो ग्रोथ ऑफ ट्रेड था अंडर कमर्शियल रेवोल्यूशन, अंडर साइंटिफिक रेवोल्यूशन, इसने कैसे सोसाइटी को चेंज करने में हेल्प करी, ठीक है? तो विद द ट्रेड क्या हुआ कि मनी का यूज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ, ठीक है? तो पहले की सोसाइटी में हम देख चुके हैं कि जो मैन की वेल्थ थी उसका इंडिकेटर क्या था? लैंड, ठीक है? तो बहुत कम बाइंग सेलिंग होती थी, और जो भी होती थी वो बाटर सिस्टम के थ्रू होती थी, राइट? तो मनी का एज सच कोई यूज़ नहीं था पहले की सोसाइटी में. लेकिन अब जो है मनी का बहुत एक फार रीचिंग यूज़ था इन द न्यू सोसाइटी, ठीक है? तो पहले क्या होता था कि जो लोग जिनके पास पैसा होता था वो थे, या जिनके पास सॉरी वेल्थ होती थी इन द फॉर्म ऑफ लैंड, वो थे चर्चेस या वो होते थे नोबलमैन, ठीक है? और उनके पास जो वेल्थ होती थी वो होती थी इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड या इन द फॉर्म ऑफ सिल्वर या इन द फॉर्म ऑफ लैंड, ठीक है? तो इसको हम कहते थे आइडल वेल्थ, ठीक है? आइडल वेल्थ क्यों बोलते थे? क्योंकि ये वेल्थ और वेल्थ नहीं बना सकती खुद, ठीक है? लेकिन विद द ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग ये सब बदल गया. क्यों? क्योंकि अब जो कैपिटलिस्ट सिस्टम आया, कैपिटलिस्ट सिस्टम गाइस वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मेकिंग, ठीक है? और व्हेन आई टॉक अबाउट प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब होता है, सी, जब किसी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसका ओनर वो सारा प्रॉफिट अपने पास रख रहा है. कैपिटलिस्ट सोसाइटी में प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट. प्रॉफिट को और इन्वेस्ट किया जाता है कंपनी को और बढ़ाने के लिए. तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, ये जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक न्यू एस्टैब्लिश हुई थी आफ्टर 14th century AD, इसमें प्रॉफिट वॉज द मोटिव, ठीक है? तो प्रॉफिट का मतलब है कि प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट के तौर से लिया जाता था. तो जैसे पहले की सोसाइटी में हम बोलते हैं गोल्ड या सिल्वर या जो लैंड थी उसको हम आइडल वेल्थ बोलते हैं, अब जो मॉडर्न सोसाइटी जो इस्टैब्लिश हुई थी इसमें इट वॉज नॉट आइडल वेल्थ, क्योंकि अब था प्रॉफिट, और प्रॉफिट तो इन्वेस्टमेंट होती है, मतलब प्रॉफिट तो और वेल्थ क्रिएट करने के लिए यूज होता है, ठीक है? तो इसकी वजह से हुआ ये कि एक न्यू क्लास ऑफ पीपल दे इमर्ज्ड, और इस क्लास को हम बोलते थे मिडिल क्लास, ठीक है? ये होते कौन थे? ये बेसिकली मर्चेंट्स होते थे, ये बेसिकली ट्रेडर्स होते थे. ये थे स्मॉल इन नंबर, बहुत कम इनकी पॉपुलेशन थी, लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट थे इस न्यू मॉडर्न सोसाइटी का. क्यों? क्योंकि ये थी मर्केंटाइल क्लास, ठीक है? ये थी वो क्लास जिसके पास थी वेल्थ, और वेल्थ मतलब कि इन्वेस्टमेंट इन लोगों के पास थी,
और इन्वेस्टमेंट इनके पास थी का मतलब है कि यही लोग प्रॉफिट भी कमाते थे, यही लोग वापस इन्वेस्ट भी करते थे, यही लोग अपना खुद का बिजनेस या खुद की कंपनी और बढ़ाते थे एंड इन रिटर्न क्या करते थे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को, कैपिटलिस्ट सोसाइटी को और ज़्यादा प्रोपेल करते थे। ठीक है, नाउ मर्केंटाइल कैपिटलिज्म की डेफिनेशन अगर आपको देखनी है तो यहाँ पे लिखी हुई है, मर्केंटाइल कैपिटलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ ट्रेडिंग फॉर प्रॉफिट्स। ठीक है, हमने अभी बात करी है कि कैपिटल सोसाइटी में कैपिटलिज्म का फॉरमोस्ट जो एम होता है वो होता ही प्रॉफिट मेकिंग है। तो इट इज़ अ सिस्टम ऑफ ट्रेडिंग फॉर प्रॉफिट टिपिकली इन कमोडिटीज प्रोड्यूस्ड बाय नॉन कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन मेथड। ये एक बुकिश डेफिनेशन है गाइज, आपको लर्न करनी है तो आप कर लीजिए, ये एज इट इज डेफिनेशन आपको कहीं यूज़ नहीं करनी पड़ेगी, आपको बस ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि मर्केंटाइल कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, सो गाइज अभी तक हमने पढ़ लिया है कि 10th सेंचुरी AD से लेकर 14th सेंचुरी AD तक, जिसे हम ट्रेडिशनल मिडिवियल यूरोपियन पीरियड कहते हैं, वो कैसा था, वहाँ उस सोसाइटी की जो स्ट्रक्चर था, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स थे वो किस तरीके से थे, वहाँ पे जो फ्यूडलिज्म एग्जिस्ट करता था उस टाइम पर वो किस तरीके का फ्यूडलिज्म था। फिर हमने पढ़ा द सिग्निफिकेंस और द इम्पॉर्टेंस ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च ड्यूरिंग दैट पीरियड, हमने पढ़ा कि किस तरह से द पोप वॉज कंसिडर्ड द विकर ऑफ क्राइस्ट, ही वॉज कंसिडर्ड टू बी अबव द किंग, इन फैक्ट किंग वॉज ऑल्सो सपोज टू फॉलो वट एवर द पोप सेड। फिर हमने पढ़ा कि किस तरीके से एजुकेशन एंड लर्निंग वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू द चर्च, किस तरीके से द प्रीस्ट एंड द मॉन्क्स दे यूज टू इम्पार्ट टीचिंग्स। उसके बाद हमने पढ़ा कि कैसे कमर्शियल रेवोल्यूशन, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इन सारे रेवोल्यूशंस की वजह से कैसे ये जो मिडिवियल यूरोपियन सोसाइटी है ये बेसिकली इसका स्ट्रक्चर डिक्लाइन हुआ और कैसे एक न्यू स्ट्रक्चर इमर्ज हुआ जिसे हम कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ये डेवलप हुई, कैसे एक मॉडर्न सोसाइटी इमर्ज हुई इन यूरोप। हमने पढ़ा कि कैसे ट्रेड की वजह से न्यू टाउन्स इस्टेब्लिश हुए, कैसे उन टाउन्स में कैश क्रॉप्स को एनकरेजमेंट दी जाती थी, किस तरीके से बाटर सिस्टम डिक्लाइन हुआ, किस तरीके से एक न्यू सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ मनी, ऑन द बेसिस ऑफ कैश एक्सचेंज इट इमर्ज्ड। हमने पढ़ा कि ट्रेडिंग की वजह से किस तरीके से एक न्यू क्लास ऑफ पीपल इमर्ज्ड कॉल्ड द मिडिल क्लास, इस क्लास को हम मर्केंटाइल क्लास भी बोलते थे, कैसे ये मर्केंटाइल क्लास इमर्ज हुई और इसी मर्केंटाइल क्लास की वजह से किस तरीके से जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, ये प्रोपेल करती गई। और गाइज इसी की वजह से, इन्हीं ट्रेड रिलेशंस की वजह से, इसी ओपननेस ऑफ द सोसाइटी की वजह से हुआ ये जो उस टाइम के थिंकर्स थे, जो उस टाइम के फिलोसोफर्स थे, दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द ओल्ड डॉगमास, दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द ब्लाइंड टीचिंग्स ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च। उन्होंने सारे जितने भी सुपरस्टिशंस थे उनको क्वेश्चन करने लग गए, वो क्वेश्चंस पूछने लग गए कि अगर ऐसा हमें ब्लाइंडली फॉलो करने के लिए बोला जाता है तो क्यों बोला जाता है। और इसी इन्हीं क्वेश्चनिंग की वजह से सोसाइटी ऑल्सो ब्रॉडन, सोसाइटी का माइंडसेट ब्रॉडन हुआ एंड स्लोली एंड स्टेडिली न्यू सब्जेक्ट ऑफ सोशियोलॉजी इमर्ज्ड, जिसका जो मेन सब्जेक्ट मैटर था इट वॉज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल लाइफ, ऑफ सोशल चेंज एंड सोशल कॉजेज, दैट इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सोसाइटी। सो गाइज विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द लेक्चर। जाने से पहले आई वुड लाइक यू टू एटलीस्ट अटेम्प्ट टू सॉल्व दीज टू क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दीज आर आइडेंटिफाई 5 इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द फ्यूडल सोसाइटी, ये हमने लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में ही पढ़ा है। एंड सेकेंड इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फ्यूडलिज्म, सो ट्राई टू अटेम्प्ट इट योर सेल्फ, शेयर इट डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन and stay tuned for more such lectures on sociology. Thank you so much. Bye bye.